आज जैसे दोस्तों मैंने ये जो फंक्शन रखा हुआ है ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का है कि मतलब जो हमारे पास जितने भी सारे बैच के बच्चे हैं उनका बैच कंप्लीट हो चुका है। और बैच कंप्लीट होने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनके अंदर अभी भी वीकनेस है। सबसे पहली बात क्या है कि हम जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों को मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जो काम सिखाते हैं तो ये हमारा 45 दिन का तो टारगेट रहता है। 45 दिन का क्या होता है? टारगेट होता है कि हम 45 दिन के अंदर हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन उस अचीव करते समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। दो तरह के हमारे पास स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, एक तो बिल्कुल वीक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कभी मोबाइल फोन चलाया ही नहीं, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल फोन तो सिर्फ यूजर होते हैं लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर आज नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पीकर माइक रिंगर कनेक्टर वनेक्टर का सारा काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो जो लोग 5-6 साल से काम पहले कर रहे हैं तो वो 45 दिन का जो कोर्स होता है वो 10-5 दिन पहले सीख लेते हैं। दूसरी बात क्या होता है, जो लोग बिल्कुल जीरो होते हैं, जो खाली मोबाइल फोन के यूजर होते हैं और कुछ काम नहीं जानते, तो उनको 45 दिन समय लगता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जानते तो उनको 10-15 दिन समय और भी लगता है, क्योंकि ये काम जो रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था सीखने से पहले कि ये काम हमारा हैंड स्किल का होता है। किसका होता है? हैंड स्किल का होता है। तो इसमें ये बात हमारी कभी मायने नहीं रखती कि किसी का हैंड स्किल बहुत अच्छा होता है, किसका हैंड स्किल कैसा होता है, वीक होता है। जिसका हैंड स्किल वीक होता है तो उसके लिए बस यही होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको एक बार दो बार नहीं 10 बार करो। और इसमें कोई पढ़ने लिखने याद करने रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको वो चीज समझ में आने लगती है कि जैसे कोई भी बच्चे जब किसी फंक्शन को खोलते हैं कि ना व्हाट्सएप के अंदर ये वाली सेटिंग है, इसको तुमको बंद करना है, चालू करना है, तो कई बार जब उसको खोलते हैं फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने मन से कर लेते हैं। जैसे आदमी नया मोबाइल फोन खरीदता है तो नए मोबाइल फोन खरीदते समय उसकी बहुत सारी सेटिंग होती है, उसको नहीं पता होती। लेकिन जब 5-6 महीने जब उसको चलाते चलाते हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती तो अपना फोन लेता है और फटाफट सारी सेटिंग करते हुए चला जाता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका हाथ उसमें क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग रिपेयरिंग करने वाले होते हैं और हमारे पास जब कोई मोबाइल फोन ठीक होने आता है तो पहले हमारे पास तो हेजिटेशन होती है कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। 45 दिन का जो कोर्स होता है, इस कोर्स में सारे बच्चे काम करना सीख जाते हैं, लेकिन असलियत में वो सीखता तभी है जब वो साल भर उस लाइन में काम करता है। साल भर लाइन में काम करने का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने आपको मोबाइल फोन के अंदर हजारों फॉल्ट जो आते हैं जिनको सिखाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब आपके पास मोबाइल फोन आएगा बिल्कुल एक्चुअल में और आपने उस मोबाइल फोन को खोला, उस मोबाइल फोन को ठीक किया। एग्जाम्पल की बात कहता हूँ, अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें कहता है, कस्टमर कहता है इसमें ग्लास चेंज कर दीजिए, तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा कि आप पहली बार ग्लास चेंज करने में काम्बो खोलने में ही काम्बो टूट जाए, दूसरी बार एक्सपीरियंस रहेगा कि साहब ग्लास काटो तो साफ सुथरा कट जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास कट जाए, आप उसको चेंज करके दे दो। तीसरी बार का एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप जब कटिंग करोगे तो कहो डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाए, फिर कहो 10-15 दिन काम होता रहे, फिर कहो ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि कहो मोबाइल फोन में डिस्प्ले चेंज करते समय उसमें धब्बा आ जाए। तो उस कंडीशन का मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमको काम करने का तरीका पता चल गया है लेकिन अभी हमारी हाथ उतना अच्छे से सेट नहीं है। आदमी इंसान कभी सीखता है जब वो गलती करता है। जैसे मैं कहता हूँ हमारे बच्चे होते हैं जब डिस्प्ले को साफ करते हैं तो बिल्कुल उंगली लगा के दबा दबा के साफ करते हैं, सब लोग करते हैं फिलहाल, मैं देखता हूँ करते हुए देखता हूँ। लेकिन अगर चालू मोबाइल फोन आता है तो उसको बहुत सावधानी से करते हैं, लेकिन सावधानी से करने के बाद भी उनसे डिस्प्ले टूट जाती है। लेकिन जब डिस्प्ले टूट जाती है तो डिस्प्ले टूटते ही उसको दिल में तुरंत एहसास हो जाता है कि हमने यहाँ पर प्रेशर ज्यादा दे दिया और हमसे स्क्रीन टूट गई। फिर उसके बाद जब अगली बार जब वो मोबाइल फोन दोबारा आता है तो उसको पता है कि वहां पर वो कभी प्रेशर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और ये कहे इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो ना तो किसी कॉपी किताब में होता है ना तो कहीं कुछ होता है, बस सिर्फ क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है जब आदमी खुद करता है। तो आज हमारे पास कम से कम 15-20 स्टूडेंट है जिनका बैच कंप्लीट हो गया है और वो लोग सक्सेसफुली अपने आगे मिशन पे आगे टारगेट पे अचीव करेंगे कि अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों का ओपिनियन यही है कि उनके ऑलरेडी पहले से दुकान है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना कोई आसपास जो दुकान होगी उसमें से प्रैक्टिस करेंगे 5-6 महीने काम करने के बाद या 3 महीने काम करने के बाद, या बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी साल भर किसी दुकान में काम करते रहे, काम सीखते भी रहे हैं लेकिन उनको सीखने को नहीं मिला। आज उन्होंने यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग लिया, सब चीजों को सीखने का तरीका पता चला,
और वो अपना बढ़िया तरीके से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि जब आपको कम से कम एक साल काम करते करते हो जाएगा तो आपको सभी चीजों का आइडिया हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं, जब उनको एक साल होता है, एक साल बाद जब मेरे पास काम के लिए आते हैं तो सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, सामान लेने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। कभी ये नहीं पूछता कि सर मेरे पास ये मोबाइल फोन आएगा तो डोंगल से कैसे कनेक्ट होगा, ये मोबाइल फोन आएगा तो इसका लॉक कैसे खोलेंगे। कभी ये नहीं कहता कि मेरे मोबाइल फोन आएगा तो इसका ग्लास हम नहीं चेंज कर पाते। ये सारी बातें समस्या जब हम उनसे पूछते हैं तो वो लोग खुद कहते हैं कि तो सर हम ये सब हो जाता है, ये बहुत आसान है, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग जब अपने काउंटर पे मोबाइल फोन को बनाते हैं और आईसीओ को रिवोल्व करते हैं, उन आईसीओ को चेंज करते हैं, उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो जो अपने एरिया में सबसे अच्छा धुरंधर दुकान वाला होता है उसको भी मोबाइल फोन दिखाने जाते हैं, उनसे भी मोबाइल फोन नहीं बनता। क्योंकि रिपेयरिंग में जब बात, आप समझ सकते हैं कि इसका कोई अंत नहीं होता। आप जितना लेवल तक काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको समय हो जाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके पास टूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसी तरीके से आप काम करना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, काम करना चालू कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास स्टूडेंट जो सीख करके जा रहे हैं या इनका बैच कंप्लीट हो गया है, तो इनके लिए बहुत सारी, पहली बात तो विशेष हैं, और ये अपने तरीके से सीख करके और बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट करें ताकि इनको कोई कभी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो सहनशाह जी हैं, जिनका मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है और ये फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी ऑलरेडी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान है और इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद फिर अपने दुकान को अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो सहनशाह जी, आपका ये सर्टिफिकेट है। तो सर, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है और क्या क्या सारी चीजें आपने सीखा हुआ है। जी सर, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी नहीं थी पहले मुझे, कि खाली चार्जर कनेक्टर लगाना, डिस्प्ले लगाना, बस इतनी जानकारी। क्योंकि जब मैंने वीडियो देखा सर का, तो मुझे लगा कि मैं ये आईसीयू के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो 2-3 साल के बाद कुछ है ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जाना चाहिए, तो फिर मैंने सर का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद फिर मैं आया, तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आईसीयू को रिवॉल्विंग करना और बाकी डायग्राम बोर्निंग और न्यू वगैरह से लाइन को ट्रैक करना और टेस्टिंग करना पूरा अच्छे से आ गया है। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर का है, तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत अच्छी से जानकारी मिल गई है। कोई भी मोबाइल है, कौन मोबाइल हमारा सॉफ्टवेयर कौन से टूल से टूटता है, कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर किससे होता है, अनलॉक है, अगर UFI चलाना है, जहाँ तक UFI प्रोग्रामिंग सब बहुत अच्छे से सीख गए हैं। क्योंकि सब कुछ जब यहाँ आए तब पता पड़ा कि अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आसपास मार्केट में वहाँ कहीं नहीं हो रहा था। क्योंकि UFI प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग करने के बाद फाइल डालना, फ्लैश करना अच्छे से सीखा है, तो नॉलेज मिली है कि हाँ, क्योंकि वहाँ आसपास के मार्केट में तो कोई करता नहीं है, और जो भी मोबाइल आते हैं तो वो बिल्कुल डेड आते हैं, तो पता नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम क्या है। DC मशीन में लगाते हैं तो भी नहीं पता पड़ पाता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि DC मशीन में कितनी रीडिंग आनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक एक चीज़ की जानकारी मिली, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, जो बंदे वीडियो देखते हैं, कि वो आए सीखें और बहुत अच्छे एक एक नॉलेज की जानकारी मिलेगी उससे, और बूट सीक्वेंस वगैरह बहुत अच्छे से सर बताते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं, जिससे आपको हर चीज़ के सोल्यूशन मिल जाता है। कोई भी मोबाइल हो, डेट सर डेट मोबाइल हो, 100% बनता है। तो सहनशाह जी, कितना दिन हो गया आपको क्लास करते करते? मुझे सर 2 महीने के आसपास हो गया है। हाँ। तो जहाँ तक मैं बिल्कुल अच्छे से नॉलेज मिल गई है, वो फिर प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस। तो ये इनके मोबाइल फोन की दुकान है, तो 45 दिन का कोर्स होने के बाद भी इन्होंने 15 दिन अपने खूब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उन पर प्रैक्टिकल करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, निकालते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उनको चलाना सीखते हैं। और जो मोबाइल फोन, कुछ इनके पर्सनल मोबाइल फोन भी लाए थे, उनको भी मोबाइल फोन के रिपेयर, हाँ, उनके भी सही कर दिए, 4-5 मोबाइल थे वो भी सही कर दिए। हाँ, तो काफी नॉलेज थोड़ी बहुत नहीं थी, तो सर ने बताया, मुझे सर ने एक एक चीज बताई है कहाँ से कहाँ, बिल्कुल वो भी मोबाइल 100% सही हो चुके हैं। चलो मोहित सर को भी दिखा देते हैं, ये है मोहित सर। और बाकी मैं मोहित सर के बारे में भी आज आपको परिचय दूंगा, ठीक है सहनशाह जी। कपिल कुमार, तो ये कपिल जी हैं और इनकी भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप में ऑलरेडी पहले से काम करते थे, काम करने के साथ साथ प्रैक्टिकल करते थे, और
इन्होंने भी अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद आज ये अपने जाएंगे और अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के शॉप को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ओपन करेंगे। और इन्होंने अपना प्लान बनाया, एक दिन मेरे से बात करी थी कि सर मुझे बता दीजिए कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करने के लिए, मोबाइल फोन को शॉप खोलने के लिए हमको कितना समय लगता है, और दूसरी बात क्या है, कितना समय लगने के साथ साथ इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना हमको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आपको क्या लगता है कि सर मैं इस काम सीखने के बाद सीधे अपने मोबाइल फोन की दुकान खोल सकता हूँ। तो मैंने इनको टोटल आइडिया दिया था कि इसका टोटल सामान अगर लोगे तो 30 से 35 40 हजार रुपए तक का टोटल सामान आएगा, क्योंकि सर के पास लैपटॉप ऑलरेडी पहले से है और बोर्नियो सिमेटिक भी अपना इन्होंने परचेस भी लिया है, डोंगल भी ले लिया है और बाकी जो मशीनें हैं सर यहाँ सामान लेने के लिए भेजते थे हमको। अच्छा, मल्टीमीटर तक हमें चलाना नहीं आता, यहाँ इंक्लूड आए हैं तब सर ने हमें बताया अच्छे से कि मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है, जम्पर नहीं लगा पाते थे, कैपेसिटर रजिस्टर ये भी नहीं लगा पाते थे, तो सर ने हमें बताया, बहुत डीपली समझाया कि कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं। कितना दिन हो गया तुमको काम करते करते वहाँ पर? सर जी यहाँ दुकान पे नहीं, दुकान पे काम करते, दुकान पे कम से कम 5 महीने सर जी किया है, केवल कॉम्बो लगा पाते थे और कार्ड भी नहीं पाते थे सही से। और यहाँ पर कितना दिन हो गया तुमको? यहाँ अभी 40 दिन तक हुए हैं, करीब 40 दिन हुआ है हमारा, 35 दिन में कोर्स कंप्लीट हो गया था सारा कंप्लीट, और हम एक एक चीज कुछ भी हमसे पूछ लीजिएगा सब बता देंगे। तो ये पूरा अच्छे से हम दुकान खोलने के लिए तैयार हैं और जाएंगे यहाँ से दुकान खोलेंगे अपनी। कपिल जी के लिए बहुत सारी विशेष है, अच्छी तरीके से दुकान को शॉप को रन करें और अपने काम करें, हम लोग इनका हमेशा पूरा सपोर्ट करेंगे और हम सब लोग मिल करके सपोर्ट करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो तो कहते नहीं है जिंदगी में हौसला अफजाई एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कभी कोई एक आदमी काम करता है और अगर उसके साथ में जब 10 लोग मिलकर के काम करते हैं तो वो 10 लोग नहीं करने वाले होते हैं, वो 100 लोग करने वाले होते हैं। क्यों 100 लोग करने वाले होते हैं? क्योंकि बाकी 10 में से 100 लोग और भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कहते हैं जब भंडारा होता है ना तो भंडारा खाने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सिर्फ 10 आने की जरूरत है, अब 10 के बाद कब 100 आएंगे, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब अपने काम को करते हैं तो सिर्फ एक हमको शुरुआत करने की जरूरत है, जैसे एक अच्छी शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद सारे काम सक्सेसफुली होना शुरू हो जाते हैं। तो कपिल जी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करें। निहाल कुमार, तो ये हमारे निहाल जी हैं, ये निहाल जी हैं और इनका मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, काफी दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी है। और निहाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सर भी अपने पहले जॉब करते थे, जॉब करने के बाद फिर इनको मम्मी ने सजेशन दिया कि तुम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख लो। ठीक है, रख लीजिए। मम्मी ने सजेशन दिया कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए और मम्मी से इन्होंने डिस्कस भी किया कि क्या मैं चाहता हूँ कि नौकरी को छोड़ करके कोई अपना काम सीख लूँ और घर पे रहूँ, वहीं से कुछ काम अपना स्टार्ट करूँ। तो मम्मी ने उनको सलाह दिया कि बहुत अच्छी बात है कि अगर समय रहते ही अगर तुम इन सब चीज़ों के बारे में सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो मुझे लगता है आगे तुमको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इनके मम्मी टीचर हैं, ऑलरेडी पढ़ाती हैं, तो उन्होंने उनको गाइडेंस दिया, फिर उन्होंने मेरे पास मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए ज्वाइन किया। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि और भी लोग ऐसे हैं तो वो लोग भी चाहते हैं कि अगर हम ऐसे स्टार्टअप कर सकते हैं, सिर्फ वो यही सोचते रहते हैं कि इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे। और सबसे पहले जो नौकरी करने वाला आदमी होता है वो ये सोचता है कि अगर आज मेरी जॉब छूट जाएगी तो हम कल को क्या करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, या हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो लोग नौकरी छोड़ करके आज अपना काम को स्टार्टअप करते हैं, तो मैं जरूर बात कहता हूँ कि अपने काम को स्टार्ट करने के लिए 2 कदम पीछे हटते हैं, लेकिन जब वो छलांग लगाते हैं तो कई गुना बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अपना खुद का कर रहे हैं। कहते नहीं है एक आदमी बिजनेसमैन तभी बनता है कि जब वो कई सारी चीजों को सीखता है और कई परेशानियों को झेलता है, जब कई परेशानियों को फेस कर चुका होता है तभी वो अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करता है। तो सर आप बताइए जरा अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा। मेरा नाम निहाल कुमार है, मैं
बिदुना से बिलोंग करता हूँ। मैंने कंपनी में काम करते करते काफ़ी समय हो गया था, प्राइवेट जॉब करते करते, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा मैंने, उनसे थोड़ा मतलब बात किया सर से, फिर हमने तो फिर हमें थोड़ा फिर मम्मी जी से भी बात किया थोड़ा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सजेशन लेके दोनों लोगों को सजेशन लेके फिर तो आपस में बातचीत करके तो फिर हम यहाँ पे आए, सर से मिले, बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत अच्छे से मतलब सारा कोर्स पूरा सिखाया गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हुआ, हार्डवेयर में हुआ, तो सारा सब कुछ मतलब सिखाया गया अच्छे से। हमें तो पहले कहिया लगाना भी हमें नहीं आता, तो वो भी यही आके सीखे हैं, वो हमें कहिया लगाना भी नहीं आता, कहिया लगाना यही आके सीखे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी प्रॉब्लम है, अभी सोच रहे हैं कि एक दो महीने के लिए दुकान पे बैठेंगे फिर उसके बाद अपना खोलेंगे फिर बाद में, क्योंकि प्राइवेट जॉब से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, चाहे आप 10 साल कर लें चाहे 15 साल कर लें, रहेंगे दूसरे के नीचे ही रहेंगे। अपना अगर खुद का अगर कुछ करना है तो आप खुद से पहले करना पड़ेगा, इसलिए हम तो सभी को यही सलाह देंगे कि जो भी करना है अपना करो, अपना मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करिए सबसे अच्छा रहेगा और अपना बिजनेस सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो निहाल जी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करें और हमारी टीम हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और मैं मिलाना चाहता हूँ अरविंद जी, अरविंद जी का भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अरविंद जी आप बताइए जरा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ताकि क्या क्या सारी चीजें जो है जो आप सीख चुके हैं और इससे पहले क्या करते थे। ये वाला फोन हमेशा इनको दे दीजिए, तो दे दी, आप फोटो कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अरविंद जी है, इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट कोर्स करने के बाद ये सर का भी ओपिनियन है कि इन्होंने बहुत सारी तैयारी करी है, कंपटीशन की सब चीजों की तैयारी करी है, उसके बाद कुछ थोड़ी सी चीजें नहीं हासिल हो पाई लाइफ में, और तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का एक टेक्निकल काम सीख लेता हूँ या अपने हाथ का हुनर सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना काम को स्टार्ट करता हूँ। तो अरविंद जी आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए लोगों को। मैं अरविंद कुमार कानपुर नगर से आता हूँ, ठीक है। मैंने पहले कंपटीशन की तैयारी करी, 3-4 साल तैयारी करी है, तो उसमें हमें कुछ हासिल नहीं हो पाया, तो भाई मेरी ऑलरेडी दुकान है नरवल में, तो टेलीकॉम की दुकान है, तो भैया बोले कि ऐसे मतलब कब तक तैयारी करोगे, थोड़ा कुछ स्किल अपने हाथ में लाओ तो सही रहेगा, अपनी दुकान खोलो फिर। तो मैंने एक दिन वीडियो देखा इसे यूट्यूब में, तो सर भैया ने भी देखा तो बोले कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पर चले जाओ तुम्हें सीखने को कायदे से मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है चलो हम जाते हैं, एक दिन हम देखने भी आए तो वहाँ पे अच्छा लगा, हमें देखने में ठीक ठाक लगा, तो हमने कहा चलो फिर यहीं पे हमने यहीं पे ज्वाइन कर लिया। तो करीब हमें 2-3 2-2.5 महीने हो गए और काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं, पहले हमें तो ABCD भी नहीं पता था मोबाइल बारे में, अब तो काफ़ी कुछ सीख गए, मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, चार्जिंग जैक वगैरह सब कुछ, कॉम्बो वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं अब तो, बस ICU रिवॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ICU रिवॉल्व भी कर लेते हैं अब तो। किसी भी मोबाइल फोन का लॉक खोल लेते हैं कि नहीं? हाँ, सॉफ्टवेयर पूरा सब कुछ सीख चुके हैं। तो सर के पास सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कंप्यूटर चलाना आता था, लेकिन इनके पास लैपटॉप नहीं था, तो इन्होंने अपना लैपटॉप भी परचेज किया और उसमें सारे सॉफ्टवेयर भी लोड करे और सारी चीजों के बारे में सीखा भी। तो मेरी तरफ से विशेष है ताकि अच्छी तरीके से काम करें और अच्छी तरीके से अपना नए काम को स्टार्टअप करें। विकास कुमार, आज विकास जी नहीं आए, सर्वेश बाबू आइए। तो ये सर्वेश जी हैं और इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, और कंप्लीट कोर्स होने के बाद
आज फिलहाल तो अपने घर घूमने जा रहे हैं, इनको 45 डेज का समय हो गया, 45 दिन के बाद ये अपने घर घूमने जा रहे हैं, घर घूमने के बाद आएंगे, फिर अपना जो दो चार काम चीजें रह गई है उसको, घर नहीं जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हो? सब लोग देखेंगे ना भैया लोग, तो भैया लोग देखेंगे तो आप हमारे पास सीख रहे हैं, तो मतलब चुपचाप तो सीख नहीं रहे है ना। इनके बारे में तो को मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी सब तैयारी करते थे। सबसे पहली बात क्या होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिस इंसान के साथ में परेशानियां ना हो, परिस्थितियां सबके साथ में होती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए या तो आदमी खुद लड़ता है या उसके साथ में जो सहयोगी होते हैं सलाह देते हैं। तो ये भी काफी साल से कंपटीशन की तैयारी करते थे, इलाहाबाद में रहते थे, और जब कुछ नहीं मिल पाया, शादी भी हो गई, तो इनके पापा ने भी बोला, इनके बड़े भैया है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अच्छी जॉब करते हैं, इनके छोटे भाई भी है वो भी तैयारी करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार सब लोग जब बाहर ही निकल जाएंगे तो घर में कौन रहेगा, और इनके पापा की बहुत अच्छी बिजनेस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके पापा ने खुद बोला कि आप एक काम करिए, कोई अपना एक काम सीखिए, हम तो जो काम कर रहे हैं वो तो तुम्हारा है ही, लेकिन तुम एक और काम अपना सीखो ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको, ताकि कोई ये तुमको कहने वाला ना हो कि भाई तुम हमारे काम पे ही जुड़े हुए हो। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं कुछ सीख लेता हूँ, तो उनके भैया ने बोला कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख लो, आजकल बहुत चल रहा है, हर जगह पर मोबाइल फोन है, उसमें कोई खराबी आ जाएगी तो उसको लोग ठीक कराते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल फोन एक बार खराब हो गया था, कहीं ठीक कराने गए तो उनका मोबाइल फोन ठीक नहीं हुआ था, फिर उनका दोस्त जानने वाला था उसने मोबाइल फोन को बना दिया, तो जब उन्होंने मोबाइल फोन को बना दिया तो उन्होंने सलाह दिया कि यार ये ऐसा ये काम मैं अपने भाई को सिखवा दूं, तो क्या यार भाई को सिखवा दो तो अच्छी बात है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो उन्होंने फिर घर में फैमिली में बैठ करके डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने अपने कोर्स को ज्वाइन किया, और ये चाहते हैं कि हम अपने इस कोर्स को सीखने के बाद जो मेरे पापा का बिजनेस है मैं उसको भी देखता रहूं और हमारा भी खुद का हो, ताकि हम अपने आप को लाइफ में प्रेजेंट कर पाए कि भाई देखिए इस काम को सीखने के बाद आज मैंने सफलता को अचीव किया है और इस काम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्वे जी आप बताइए जरा, कितना टाइम हो गया आपको क्लास करते करते, अब क्या क्या सारी चीजें आप सीख चुके हैं सर? मेरा नाम सर्वेश कुमार है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का मतलब पास करने वाला हूँ। मैंने जब मैं शुरू में मतलब घर में विचार किया, मम्मी पापा ने सब लोग मिलकर बैठ के, हमारे यहाँ सब लोग बैठ के मतलब कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेते हैं, तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा यार अपना मतलब घर में बिजनेस तो ही है, सब कुछ है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, मतलब दो दो तीन दिन सर्विस है सब कुछ है, हमने कहा अपना खुद का बिजनेस करें, ऐसे सर ने आपने अभी बताया, खुद का बिजनेस करने के लिए मैंने सोचा, तो मैं इलाहाबाद में भी गया, इलाहाबाद में 3-4 साल पहले तैयारी भी की, वहाँ तैयारी किया तो वहाँ मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के पर्पज से गया था, मैंने कहा भाई भी रहते हैं साथ में कमरे में रहेंगे दोनों लोग सीख जाएंगे वहाँ कम कोई मिल जाएगा, तो हमने इलाहाबाद में 2-3 दिन मतलब घूमा, तो कोई मतलब अच्छा स्कूल मिला नहीं हमें वहाँ जाके, फिर हमने सर भैया ने हमारे बताया तुम कानपुर जाओ, कानपुर में सर का वीडियो भी देखा भैया ने, सर ने बहुत बढ़िया समझाया, फिर सर का वीडियो हम भी देखे, हमको भी वीडियो समझ में आया, हमने कहा चलते हैं सब कानपुर के, कानपुर आए सर से बात हुई, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं मोबाइल यहाँ रिपेयरिंग करने लगे, आज हमको कुछ नहीं आता था, शुरू में आए थे यहाँ हमको हमारे हाथ हिलते थे वो जम्पर चलाने में जम्पर लगाने में, कुछ नहीं हुआ, अब आज कोई भी काम करवाना है मतलब करते हैं, कोई मतलब हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बराबर काम होता है, ये भी अभी थोड़ा समय है धीरे धीरे, और डीपली नॉलेज लेना है सर से, मतलब क्या कहते हैं डीपली नॉलेज होगा, क्योंकि दोबारा लौट के कोई नहीं आता है यहाँ, सही बात है, दोबारा दुकान में दुकान कोई रख लोगे तुम लौट के नहीं आओगे जल्दी से, सिर्फ सर से मिलने ही आ सकते हो बस, जल्दी से समय मिलेगा नहीं आपको आने का, सही बात, यही चीज है, हमने सोचा आज सर के पास हमारे पास समय भी है, कीमती समय चल रहा है, क्योंकि आज आज हम चले जाएंगे सर के यहाँ से छोड़ के, तो हमको दोबारा नॉलेज नहीं मिलेगा यहाँ आके, वो चीज हमको फिर बहुत समय लगाना पड़ेगा, सही बात, यही चीजें हैं, सर के पास आप आइए, बहुत बढ़िया सर सिखाते हैं, सर को सर का एक्सपीरियंस हमने देखा सर, आज भी हमारे पास मतलब खुद का धंधा डालेंगे तो हमें खुद कॉन्फिडेंस है, हमको अपने बिजनेस चला ले जाएंगे, क्योंकि सर ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें मोबाइल के बारे में। करण मौर्य, तो मैं मिलाना चाहता हूँ, करण जी हैं
और ये आपका कहाँ पर बताया? फतेहपुर। ये भी फतेहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये रहते हैं लुधियाने में रहते हैं, क्योंकि इनके लुधियाने में जितने भाई लोग हैं, फैमिली है, घर भी है, सब लोग वहीं पर रहते हैं। और वहाँ पर क्या है कि रिपेयरिंग का काम इनको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल फोन आते हैं। इनके भैया ने बोला कि तुम काम वहाँ पर सीख लो, फिर हम तुमको यहाँ पर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करा देंगे, फिर अच्छी तरीके से काम करना है। तो यहाँ से सीखने के बाद ये लुधियाना जाएंगे और वहीं पर अपनी शॉप को ओपन करेंगे। तो सर आप बताइए जरा क्या क्या सारी चीजें सीख चुके हैं, कितना टाइम हो गया? हेलो, मेरा दोस्त नाम करण मौर्य है, तो मैं फतेहपुर जिला से रहने वाला हूँ। तो मैं वहाँ पे लुधियाना में भी हमारा घर है, और मेरे भैया ने बोला है कि थोड़ा सर के पास सीख लो, और थोड़ी जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप लुधियाना पे आके किसी दुकान पे लग के दो चार महीने वहाँ पे सीख के तो बढ़िया सा सीख जाओगे, तो दिक्कत नहीं होगी। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे जाऊँगा, वहाँ पे कैसा होगा, और बहुत बहुत चीज़ सोचा कि मेरे को डर भी महसूस हो रहा था कि वहाँ पे जाऊँगा तो सर के पास कैसा होगा और कैसा माहौल होगा, कैसे मेरे फ्रेंड्स जो होंगे साथ में, उनसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। और जब मैं यहाँ पे आया, सर से मिला, तो साथ में मेरे भैया भी थे, तो उनसे भी सर उन्होंने भी सर से बात की, तो उन्होंने जब बात की तो सर सब चीज़ सर से पूछा, तो उन्होंने सब चीज़ बताया भी। तो सर जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, आज मैं पूरा काम सीख गया हूँ। जैसे कि आज कोई मैं काम कर रहा हूँ तो आज कोई दिक्कत नहीं होती है। लगभग अभी मैं मेरे को 50 से 55 दिन हो गए हैं। तो 55 दिन हो गए सर को क्लास करते करते। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करें। और इनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब इनके भैया आए थे मेरे पास मोबाइल फोन रिपेयरिंग सिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर क्या आप इनको काम सिखा देंगे नहीं सिखा देंगे। मैंने कहा सर ऐसा आपके क्यों डाउट्स है, क्योंकि मैं एक दो जगह पे गया हूँ, और सबसे पहली बात क्या, मेरे पास उन्होंने जब इनको एडमिशन कराया तो एक बात उन्होंने बोली, ये भी बात बोली कि सर मैं एक जगह स्ट्रीट में गया था, वहां पर काफी देर तक बैठा रहा, और जिन सर के पास मैं सिखाने के लिए इनको ले गया था वो सर हमारे पास मिलने के लिए नहीं आए, मतलब हमसे मिले नहीं। अब बाद में इतनी बड़ी बात बोल दी कि जब हमारे पास टाइम होगा तब मिलेंगे ना, ये बात बोल दिया कि जब टाइम होगा तब मिलेंगे। तो उनको भैया को लगा कि मतलब अगर कोई आदमी इतना दूर से आता है सीखने के लिए, हम इतना दूर जाते हैं लेकिन वो हमसे मिलते नहीं है, तो एक नाराजगी सी हुई। और फिर उन्होंने जब हमसे भी बात हुई थी तो मेरे पास मिलने के लिए आए, तो फिर हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, पूरा क्लास चलते हुए देखा। फिर दूसरी बात क्या है, उन्होंने एक बात और बोली कि सबसे पहली बात क्या सर, मैं वहां ना ज्वाइन करा करके आपके पास इसलिए ज्वाइन कराना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर सागर मार्केट है जो कानपुर की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल फोन की, सागर मार्केट। यहाँ पर अगर चारों तरफ मोबाइल फोन का ही काम होता है। अगर आप थोड़ा सा अगर 100-200 मीटर उधर उधर टहलते हैं, चारों तरफ कहीं भी जाते हैं, तो सिर्फ मोबाइल फोन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर आकर सीखने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि एक घर है, और जब किसी काम को किसी घर में जाकर के सीखो तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलती है, डीप नॉलेज मिलती है। दूसरी बात क्या, कोई भी मोबाइल फोन ठीक करना है, कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे मोबाइल फोन लाते हैं, उनके मोबाइल फोन की पावर आईसी खराब होती है, तुरंत निकालते हैं और मार्केट जाते हैं, फट से 180 रुपए के पावर आईसी लगाते हैं, मोबाइल फोन चालू हो जाता है। अगर वो कहीं 10-20-50 किलोमीटर मार्केट से दूर है तो ना तो कभी मार्केट को जान पाएंगे, ना तो कभी जिंदगी में आईसी ला पाएंगे। यहाँ पर कोई मोबाइल फोन आता है उसकी तुरंत कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उसका ओसीए मार्केट लाए और साफ किया, फट से लगा दिया, तो तुरंत काम हो गया। कितना समय लगता है सिर्फ बाहर निकलने का, गेट से बाहर निकलते ही बाहर सामान मिलता है, सामान लाते हैं, लगा देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि हमको सीखने में बहुत आसानी रहती है, सीखने में सहूलियत वहीं पर अच्छी होती है जहां पर सारा सामान उपलब्ध हो, चाहे वो पैसों से मिले चाहे ऐसे ही मिले, लेकिन मेन चीजें मिलना चाहिए। क्योंकि मोबाइल फोन का सामान कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ग्लास भी होते हैं 50-60 रुपए 70 रुपए ग्लास होते हैं, आप ला करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिलना तो चाहिए। अगर वहां से 100-150 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर दूर होगा, तो आपका आलस कर जाएगा, चलो हटो यार फिर लाएंगे। तो ऐसे हम कभी हम लोग अच्छे से सीख नहीं पाते। तो यहाँ पर सामान उपलब्ध है तो बच्चों को सीखने के लिए बहुत सहूलियत रहती है। तो करण जी मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करें, और कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी तरफ से आपको हमेशा के लिए सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि दो तीन मैं लाइन कहना चाहता हूँ,
इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता, फना कर दो जिंदगी माँ बाप और गुरुओं को कदम हो, क्योंकि ये वो प्यार है जहाँ धोखा नहीं होता। रंजीत कुमार, रोहित कुमार, आदित्य साहू, आदित्य मेरे पास यहाँ पर जितने सारे लोग सीखने के लिए आते हैं, तो ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी के साथ में कोई स्टोरी ना हो। सबके साथ में कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो ये आदित्य जी हैं और इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है और ये मेरे पास अब सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब जो भी इन्होंने सीखा हुआ है, सीखने के बाद हो सकता है कि कोई चीज ना समझ में आई हो या कोई चीज छुट्टी रह गई हो जिस तरह से ना सीख पाए हो, तो वो अपने अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरे सीखने से पहले ये भी कहीं पहले सीखते थे, ये समथिंग 5-6 महीने 1 साल हो गए वहां पर सीखते, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमको यहाँ पर सीखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा ये यही बताएंगे सर, बताइए जरा अपने बारे में। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं कानपुर में रहता हूँ, और इससे पहले मैं एक जगह और सीखता था, यही सागर मार्केट में ही सीखता था। तो वहाँ पे हमें कुछ सिखाया तो गया नहीं, बस मार्केट दौड़ाना और फिर सामान लाना, फिर यही करते थे। और अगर कोई सेट देते भी थे तो बताते नहीं थे, कहते थे तुम्हें 8 महीने हो गए तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, जब बताओगे तो कैसे सीख जाएंगे। कितना टाइम हो गया सर? हमें सर हो गए होंगे 7-8 महीने हो गए। तो वहाँ पर आपने कैसे कोर्स को ज्वाइन किया था? वहाँ पर वो हमारे पापा के मित्र थे, उनके थ्रू हमने ज्वाइन किया था। हाँ, तो वो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की मतलब अपनी दुकान है, काउंटर है। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता? यहाँ के बारे में तब पता चला सर जब उन्होंने देखा सॉफ्टवेयर ऑप्टर उनसे नहीं हो पाता। हाँ। तो उन्होंने 3-4 मार्केट पे जाते थे, वहाँ पे जब नहीं हो पाता था, बड़े सॉफ्टवेयर है भाई। हाँ। वहाँ पे सॉफ्टवेयर ही काम होता था, जब वहाँ से नहीं हो पाता था तब यहाँ आता था सर। तब हमने 2-3 बार यहाँ आए देखा तो हमें लगा कि यही सक्सेस है, यही सक्सेस मिलेगी हमको, तो इस वजह से सर हमने। तो इन्होंने पहले ऐसे मेरे पास का मुलाकात का ऐसा सिस्टम हुआ कि वहाँ पर 8 महीने हो गए सीखते, उनके जो भी मोबाइल फोन आते थे वो रिपेयरिंग करने के लिए हार्डवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते। आज भी मैं कहता हूँ 90% लोग ऐसे हैं जो हार्डवेयर करता तो सॉफ्टवेयर नहीं करता, सॉफ्टवेयर करता तो हार्डवेयर नहीं करता। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों करता है वो फुल टेक्नीशियन होता है, जो फुल टेक्नीशियन होता है कभी जिंदगी में काम ही नहीं करता, वो कभी जिंदगी में किसी की नौकरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो फुल कारीगर होगा उसका अपना खुद का काम होगा, और जो फुल नहीं होगा तो किसी के नीचे होगा, जो फुल है तो उसके नीचे दुनिया होती है। तो आज मैं आपको बताऊं, वो हार्डवेयर का काम करते थे, सॉफ्टवेयर के काम में SW भी नहीं जानते थे कि सॉफ्टवेयर भी SW बोलो तो कहते ये क्या होता, सॉफ्टवेयर पूरा बोलो तो समझ में आता है। तो उनके पास जो भी मोबाइल फोन होते थे मार्केट जाते थे लॉक खुलवाने के लिए, जो वहां से नहीं होते थे या कोई एमएमसी प्रोग्रामिंग के जो ऐसे केस होते थे तो मेरे पास भेजते थे, तो ये मोबाइल फोन को लेकर के आते थे। उन मोबाइल फोन को, उन हैंडसेट को हम लोग चालू करते थे, चालू करके उनको दे देते थे, और हमारा उनसे कोई पैसा लेने का कोई वाकया नहीं होता था। बस खाली एक ही बात होती थी कि आपके पास MMC प्रोग्रामिंग करने के लिए, IC चेंज करने के लिए, IC रिवोल्विंग के लिए अगर ऐसे कोई भी हैंडसेट आते हैं तो आप हैंडसेट हम लोग को भेजिए, हमारे पास दीजिए, हम आपको फ्री में मोबाइल फोन ठीक करके देंगे। अच्छा, हमारा आपको उनका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि सर इतने महंगे महंगे जो मोबाइल फोन आते हैं, कोई भी दुनिया जान में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बना जो मोबाइल फोन को खरीदे फिर उस पर प्रैक्टिकल कराए, ऐसा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? या तो फिर सिखाता ही नहीं, सिर्फ एक पर कर देगा फिर नहीं करेगा। तो हमारा सबसे बड़ी बात यह थी, हमारी दुकान वालों से शॉप जितने हैं सबसे यही कहना होता है कि आप अपना मोबाइल फोन भेजिए और हम उस मोबाइल फोन को ठीक करेंगे, पैसा आप देने देने कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका काम होना चाहिए। तो उनके कई सारे मोबाइल फोन है आज हमारे पास यहाँ पर ठीक हुए और हम अपने बच्चों को उनके माध्यम से सिखा पाए और उनका फ्री में मोबाइल फोन ठीक हो गया, जिसकी वजह से 600-800 हजार रुपए लेते थे तो उनका भी फायदा होता था और हमारा सबसे बड़ा एक ही बेनिफिट होता था कि हमारा बच्चा सीख जाता था। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपिनियन है, एक ही मिशन है कि हमारा स्टूडेंट किसी न किसी बहाने से सीख जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मार्केट में काम आए और यहाँ पर मोबाइल फोन ठीक करवाए और जो भी बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन करने का मौका मिले या उनके सामने मोबाइल फोन ठीक हो। क्योंकि कोई भी आदमी जब मोबाइल फोन का काम सीख जाता है या कोई भी काम सीख जाता है तो जब उसके सामने कोई भी डिवाइस को ठीक किया जाता है तो उसको ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैंने चार्जिंग की प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया, चार्जिंग का तरीका सिखा दिया, लेकिन अगर उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएगा और मैं आपके सामने हैंड टू हैंड ठीक करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? आपको लगेगा सर ने जो बात हमको बताई
जो बात समझाई वो इसी माध्यम से मोबाइल फोन ठीक हो गया, इसका मतलब ऐसे ही ठीक होता है। अभी जैसे इससे पहले क्लास में रेडमी का 6C का मोबाइल फोन आया था, डेड मोबाइल फोन था, हम लोगों ने उसके एमएमसी को उतारा, उसको प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम करने के बाद सारे बच्चों ने मिलकर उस मोबाइल फोन को चालू किया, मोबाइल फोन चालू हो गया। तो अब आपको ये तरीका लगा कि नहीं भाई ऐसे ही मोबाइल फोन ठीक होता है, ये मोबाइल फोन जिसका 600-800 रुपए खर्चा लिया जाता है हमने ऐसे फ्री में ठीक किया, उसका पैसा नहीं लिया। चाहते तो ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे सारी चीजों के बारे में अच्छे से सिखा सके। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं पूरा सफलतापूर्वक ठीक करके जाते हैं। तो सर ये आपका सर्टिफिकेट है और आप जब चाहे तब तक आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं और सारी चीजों को सीख सकते हैं। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम सीख करके बढ़िया काम करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने अपने स्टूडेंट को मरते दम तक नहीं छोड़ते, जब तक हम इसकी दुनिया धरती में यहाँ पर हैं, हम जब तक जुड़े हुए हैं तब तक हम उसका सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करेंगे ताकि कभी जिंदगी में फेल ना हो, ठीक है? ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से काम करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं या जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आकर के समझ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे, जैसे नंबर दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप कई सारी 10-15-20-50 वीडियो को देख करके आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं। और मैं एक आपको मिलाना चाहता हूँ, एक हमारे पास मोहसिन मिर्जा करके स्टूडेंट है जो लोग भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का मेरे पास ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, और इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने और भी बहुत सारे जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग का है, एलईडी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग का है, ओवन का है, फ्रिज का है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने सीख रखी है। इन ये भी पहले ऑलरेडी पहले जॉब करते थे, फिर इन्होंने अपने अंडर आने के बाद में जॉब कर दी, इन्होंने जॉब क्विट किया, शिफ्ट में काम देखते थे, 6-6 महीने वही रहते थे, शिफ्ट में रहते थे, आना नहीं मिलता था, इन्होंने अपने काम को छोड़ा। काम छोड़ने के बाद फिर सीधे कम से कम 1-1.5 साल, मैं आपको कह रहा हूँ इस बात के लिए पर्सनली तारीफ कर रहा हूँ कि 1-1.5 साल आदमी अगर बिना एक पैसे कमाए अगर मेहनत कर सकता तो वाकई में वो जनरली मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक साल कमल एक साल से ऊपर होते ही जा रहा है ना, एक साल हो गया, हाँ डेढ़ साल से जब से मेरे पास से जुड़े हुए हैं, तो 1-1.5 साल से समझ लीजिए कुछ नहीं काम करते, सिर्फ एक ही काम करते हैं, सिर्फ दिन रात सिर्फ नॉलेज अचीव करते हैं। इन्होंने एलईडी स्मार्ट टीवी का भी काम सीख रखा है, मोबाइल फोन का भी काम सीख रखा है, लैपटॉप का भी काम सीख रखा है, और इनकी अपनी नागपुर में अपनी शॉप भी है, वहां पर काम करते थे, लेकिन मेरे पास फिर हफ्ते भर के लिए आए हैं, कहते थे कि सर हमको डबल डेकर सीपीयू आईसीयू पे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि कुछ छोटी मोटी एमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए जिन्होंने यूएफआई बॉक्स लिया हुआ है और उस बॉक्स को चलाने का तरीका नहीं आ पा रहा है, तो उसको पूरा सीखने के लिए मेरे पास 5-6 दिन 7 दिन के लिए दोबारा आए हुए हैं। तो काफी चीजों को इन्होंने कर लिया है, इन्होंने अपने ही बॉक्स से इन्होंने एक एमएमसी को प्रोग्राम करवाया ताकि ये पता चल गया कि हमारा बॉक्स कैसे काम करेगा और इसके माध्यम से हम लोग कैसे काम करेंगे या हम इसको आगे कैसे यूज कर पाएंगे। तो इस दिन भर अपना पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करेंगे और अपनी शॉप को पूरा रन कराएंगे। अगर ये 5-6 काम को सीख करके आज अपनी शॉप ओपन करने जा रहे हैं तो इस बात को मैं चैलेंज कहने वाला हूँ कि ये अपने शॉप में कम से कम 5-10 हजार का काम डेली काम करेंगे। जब इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी तो अपने जैसे कई सारे ठीक लोगों को भी रख करके काम करा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कोई भी डिवाइस को ठीक करने में मात्र 5-10 मिनट का समय लगता है, मेन समय तो उसको खोलने बांधने में और उसको फिट करने में समय लगता है। तो अगर जब सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाती है तो हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मोहसिन जी आप बताइए जरा अपने बारे में ताकि और भी जो ऐसे लोग हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी मिल सके। नागपुर में भी सर बहुत इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, लेकिन सर कम्युनिकेशन टीचर से स्टूडेंट का होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता था, तो यही मिला मेरे को, इसलिए मैंने यही ज्वाइन किया और नॉलेज मेरे को यहाँ मिला और मैं अभी कर ही रहा हूँ सर। कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? 1 साल हो गया सर मोबाइल के लिए, मोबाइल फोन के लाइन में, और बाकी सारा एलईडी टीवी के लिए 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो गया। और लैपटॉप की लाइन में? लैपटॉप में 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो गया, तो मतलब पूरा टोटल इन्होंने 1.5 साल हो गया पूरा काम सीखते सीखते, क्योंकि अपने साथ में कई सारी नॉलेज को अचीव कर रहे हैं। ओवन का भी तुमने काम सीख रखा है? हाँ, माइक्रोवेव ओवन का भी है सर, इंडक्शन का भी है। उसका भी काम पूरा काम कर लेते हो? जी जी सर।
बाकायदा सर वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब पे अपने, आप लिंक डाल देना सर नीचे में। अच्छा ठीक है, तो मेरा लिंक डाल दूंगा। तो इनका भी अपना चैनल है। दूसरी बात क्या है कि ये खुद काम कर रहे हैं। जब जिस तरीके से जब आदमी काम करता है, कहते नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है, हमको कहीं एक एकांत में जाना होता है, एकांत में जाने के बाद सारी चीजों को हासिल करना होता है। अच्छा, आदमी एकांत में क्यों जाता है? एकांत में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पहाड़ों में किसी गुफाओं में घुस गए। एकांत में जाने का मतलब होता है आप ऐसी जगह पर चले गए जहां अपने लोगों को नहीं जानते। एकांत हमेशा वही होता है जहां पर आप लोगों को नहीं जानते, लोग आपको जाने न जाने कोई मायने नहीं रखता। जैसे अगर आपको अगर ऐसा कभी देखना हो तो कभी भी रेलवे स्टेशन में जाकर के खड़े हो जाना, और सिर्फ आप खड़े हो जाना, एक घंटे तक खड़े रहना। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, कोई आदमी आपसे ये पूछ ले भैया ये ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, लेकिन तुम्हारे बारे में कभी नहीं पूछेगा। तुम भूखे हो कि खाना खाया कि नहीं खाया, कि तुम कहाँ जाओगे, कि तुम ऐसे फिर रहे हो, कि तुमको अपना पता पता ही नहीं पता, उसको सिर्फ अपनी जानकारी चाहिए और आपसे पूछ करके चला जाएगा। अगर आप उससे भी पूछोगे तो कहेगा अरे वो अपना आने चला जाएगा, लेकिन आपको छोड़ देगा। तो उसको कहते हैं लाइफ में एकांत। लाइफ का मतलब होता है जब आदमी जिंदगी में इंसान अपने आप को अकेला छोड़ देता है, तो अकेला छोड़ने पर ही मुसीबतों का सामना करता है और अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हासिल करता है। जब बहुत सारी चीजों को हासिल हो जाती है तब वो अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करता है और उसको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे सारे स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, उनके लिए बहुत सारी विशेष हैं। और जो भी सारे लोग जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहें तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर सागर मार्ग पर पड़ता है, जो कानपुर रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट है, 200 मीटर है। तो यहाँ पर आकर के आप सीख सकते हैं, और चाहे तो आप इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, और कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब लोग अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करेंगे।